जय हिंद स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन। और जो एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन है वो आपके किस चैप्टर से हैं? इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको ये देखना है, इनकेस अगर आप क्लास नाइन्थ में हैं और क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री की बात करते हैं तो जो टर्म फर्स्ट आपका है वहाँ पर जो चैप्टर है आपके पास केमिस्ट्री में ओनली वन चैप्टर है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। जैसा कि सीबीएसई ने बोला है, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो आपके एमसीक्यू टाइप्स होंगे, केस बेस्ड होंगे, असर्शन रीजन बेस्ड होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए बात करते हैं कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। आपके पास यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। दैट मीन्स आपको ये बताना है, आपके पास फोर ऑप्शन है, ए बी सी एंड डी। आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऐसा करेक्टर है, अभी हम वन बाय वन बात करते हैं, कौन सा ऐसा करेक्टर है जो हमारे प्योर सब्सटेंस के लिए फिट नहीं बैठता है, दैट मीन्स उसके लिए करेक्ट नहीं है। तो चलिए प्योर सब्सटेंस को हम लोग समझ ही रहे हैं, बट यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल्स ले लेता हूं तब आपको मीनिंग और अच्छे से समझ में आएगी। यहाँ पर एग्जाम्पल्स हम लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल का, कि हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स है और ये कैसा है, हमारा प्योर सब्सटेंस है। तो यहाँ पर देखते हैं, प्योर सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। बिकॉज आपको माइंड में ये रखना है कि अगर हम वाटर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर H2O ही होना चाहिए। अगर हम कुछ दूसरा कंपाउंड्स लेते हैं, कुछ दूसरा ऐड कर देते हैं, दैट मीन्स इसको हम प्योर सब्सटेंस नहीं बोलेंगे। तो ये हमारा जो फर्स्ट है, प्योर सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, यस ये आपका करेक्ट है। प्योर सब्सटेंस जो हमारे होते हैं उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं ओनली सिंगल टाइप पार्टिकल्स होते हैं। सेकेंड बात करते हैं, प्योर सब्सटेंसेस हैव वेरिएबल कंपोजिशन। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि हमारे पास अगर वाटर है तो इसमें क्या ये हमारा H2O है, दूसरा H2O लेंगे तो इसमें कंपोजिशन क्या हमारा वेरिएबल हो जाएगा, मीनिंग जो इससे मिलकर बना है, दैट मीन्स यहाँ पर अगर हम सिंपल रेशियो देखें तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, 2:1 है। वेरिएबल का मतलब चेंज हो जाना, तो क्या हमें नेक्स्ट कहीं पर वाटर ऐसा मिलेगा कि उसका रेशियो चेंज हो जाएगा, 2:1 नहीं होगा? ऐसी कंडीशन आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेगी। इट मींस जो आपका ऑप्शन बी है ये कैसा है, इनकरेक्ट है। ये कैसा है हमारा, इनकरेक्ट है। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। जो आपके पास प्योर सब्सटेंसेस हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक, दैट मींस उनकी प्रॉपर्टीज को शो नहीं कर रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बट अभी हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी को भी आइडेंटिफाई करते हैं, दैट मींस क्या आपका ऑप्शन बी ही है या अदर कोई ऑप्शन हमें और मिल रहा है। यहाँ पर ऑप्शन सी है, प्योर सब्सटेंसेस आर परफेक्टली होमोजीनस। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि जो हमारा वाटर है ये हमारा प्योर सब्सटेंस है, ऑलरेडी मैं आपसे बोल चुका हूं, क्या आपको ये होमोजीनस दिखता है या हेट्रोजीनस दिखता है, तो आपका जो आंसर होगा वो कैसा होगा, होमोजीनस होगा। दैट मीन्स प्योर सब्सटेंस हमारे जो भी होते हैं वो कैसे होते हैं, होमोजीनस होते हैं। ये भी आपका क्या है, प्योर सब्सटेंस का एक करेक्टर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, प्योर सब्सटेंसेस हैव डिफिनिट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अभी किसी से मैं बोलूं कि आपको क्या करना है, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट बताना है या वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बताना है, तो ऑलरेडी आप जानते हैं, दैट मींस फिक्स है आपका, आप बोलेंगे 0 सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट, और जब हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट आप क्या बोलेंगे, 100 सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर अगर फिक्स ना होता तो हम इसका आंसर ना दे पाते। इट मीन्स यहाँ पर जो आपके ऑप्शन है ए सी डी ये आपके प्योर सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं, बट जो आपका ऑप्शन बी है ये आपका क्या बताता है, दैट मींस रॉन्ग सेंटेंस राइट किया गया है कि प्योर सब्सटेंसेस हैव वेरिएबल कंपोजिशन। जो आपका प्योर सब्सटेंस होता है एक्चुअल में वेरिएबल कंपोजिशन नहीं होता है, उसका क्या होता है, फिक्स्ड कंपोजिशन होता है, फिक्स्ड कंपोजिशन। तो दैट मींस यहाँ पर हम देखेंगे ये आपका फिक्स्ड कंपोजिशन होता है, तो यही आपका क्या है, रॉन्ग है, और यही आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका जो ऑप्शन नंबर बी है यही आपका क्या हो जाएगा, दैट मींस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे।
क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका है, इन द केमिकल क्लासिफिकेशन मैटर इज क्लासिफाइड इनटू, दैट मींस हम बात कर रहे हैं कि हमारा क्या है केमिकल क्लासिफिकेशन है और इसमें हम मैटर को क्या कर रहे हैं क्लासिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, ऑप्शन बी प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर, ऑप्शन सी एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, एंड ऑप्शन डी मेटल नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। चलिए तो यहाँ पर कौन सा क्लासिफिकेशन आपका करेक्ट होगा, सबसे पहले ये देखिए जो आपका मैटर होता है अगर इस मैटर को हम डिवाइड करते हैं क्लासिफाई करते हैं केमिकल कंपोजिशन के बेस पे, तो आपको माइंड में आपको रखना होगा कि ये टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है आपका, एक क्या होता है प्योर सब्सटेंस, एक आपका प्योर सब्सटेंस में डिवाइड हो जाता है और दूसरा आपका इम्प्योर सब्सटेंस में डिवाइड हो जाता है, इम्प्योर सब्सटेंस। और जो हमारा इम्प्योर सब्सटेंस है आपको माइंड में रखना होगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मिक्सचर बोलते हैं, क्या बोलते हैं मिक्सचर बोलते हैं। और जो आपका प्योर है प्योर में फिर हमारा जब डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिलते हैं। अब मीनिंग आपको ये समझना है कि ये जो मैटर है इसका हम केमिकल क्लासिफिकेशन देके आपको बता रहे हैं कि इसको टू पार्ट में डिवाइड करेंगे, वन आपका प्योर और दूसरा क्या हो जाएगा इम्प्योर, दैट मींस प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस, अदरवाइज हम मिक्सचर कह सकते हैं। जैसे ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर है सॉलिड लिक्विड एंड गैस, तो आपको आप जानते हैं ये हमारा क्या है फिजिकल स्टेट है मैटर की। ऑप्शन बी आप देखेंगे प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर, तो यहाँ पर अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे तो वन आपका क्या है प्योर सब्सटेंसेस है एंड सेकेंड क्या है आपका मिक्सचर है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट अभी हम लोग चेक करते हैं सी एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आपके प्योर सब्सटेंस के पार्ट हैं, और उसके बाद जब हम चलते हैं मेटल नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, जब आप क्या करते हैं प्योर सब्सटेंस को डिवाइड करते हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में, अगेन एलिमेंट्स फर्दर डिवाइड आपका हो जाता है मेटल नॉन मेटल एंड मेटलॉइड में, तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा करेक्ट होगा, जितने अदर ऑप्शन है वो आपके मैच नहीं कर रहे हैं। और इनका क्लासिफिकेशन एक्चुअल में क्या कैसे होता है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएंगे तो वहां पर आपको इसका केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की लिंक आपको मिल जाएगी, तो वहां पर आप अच्छे से देख सकते हैं कि इसकी एक्चुअल मीनिंग क्या होती है। अगेन क्वेश्चन नंबर थर्ड की हम लोग बात करेंगे, यहां पर क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका ए और एन डॉटेड लाइन है, दैट मींस यहां पर हमें कोई ऑप्शन क्या करना होगा फिल करना होगा, इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल मेथड्स, दैट मींस आपको ये बताना है कि आपके पास जो ये ऑप्शन दिए गए हैं मिक्सचर है कंपाउंड है एलिमेंट्स है इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, दैट मींस सिंपलर फॉर्म में और हम ब्रेक नहीं कर पाएंगे कोई भी केमिकल्स मेथड हम क्यों ना यूज कर लें। तो यहां पर जो आपका मिक्सचर है ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि मिक्सचर की सेपरेशन की हम लोग 9 और 10 मेथड से रीड कर चुके हैं मिक्सचर को कैसे सेपरेट करेंगे, कोई भी अगर हमारे पास कंपाउंड है दैट मींस उसको भी हम क्या कर सकते हैं बाय केमिकल मेथड्स, फिजिकल मेथड तो हम लोग नहीं कर पाते उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग, बट अगर हमारे पास क्या है केमिकल मेथड्स है तो उसको हम लोग क्या कर लेते हैं अलग कर लेते हैं। अगर हम बात करें एलॉय तो एक्चुअल में एलॉय भी हमारा क्या है होमोजेनस मिक्सचर है जिससे मिलकर बना है, इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं अलग कर सकते हैं। बट जो आपका ऑप्शन सी है दैट मींस जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को आप किसी भी मेथड से डिफर नहीं कर पाएंगे दैट मींस सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, अगर आपका हाइड्रोजन है तो आपका हाइड्रोजन ही होगा, आप इसको ऐसा नहीं कर सकते कि इसको हम किसी दूसरे में दैट मींस ब्रेक करके, यहाँ पर लिखा गया कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन दैट मींस हम क्या करें ब्रेक ना कर पाए, तो ब्रेक किसको नहीं कर पाएंगे इसको हम ब्रेक नहीं कर पाएंगे कि हाइड्रोजन को ब्रेक करके हम बता दे देखो यहाँ पर हमने क्या किया अलग अलग कर दिया सेपरेट कर दिया तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा यहाँ पर आप क्या फिल करेंगे, यहाँ पर आप फिल करेंगे एलिमेंट कि आपका जो एलिमेंट है वो क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर होता है और जिसको हम क्या करते हैं फर्दर सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
मेन एग्जाम में पूछा जाता है और सबसे इजी क्वेश्चंस है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, नेम द मेटल व्हिच एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बेसिकली जब आप मेटल देखते हैं, चाहे हम बात कर लें आयरन की, बात कर लें चाहे हम बात कर लें सिल्वर की, हम बात कर लें गोल्ड की, हम बात कर लें प्लेटिनम की, हम बात कर लें जिंक की, तो आप जानते हैं जो मेटल्स होते हैं बेसिकली हमारे किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। बट यहाँ पर जो क्वेश्चंस है एक मेटल्स की बात की जा रही है जो हमारे लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो आपको माइंड में रखना है कि हमारे पास जो मेटल है लिक्विड फॉर्म में होता है वो क्या होता है, आपका मरकरी होता है, ना तो हमारा सोडियम होता है, ना तो हमारा एल्यूमिनियम होता है और ना तो हमारा थैलियम होता है। कभी कभी ऐसे ना देके आपको सैंपल दे देते हैं, अगर सैंपल आपको दिया गया है जैसे सोडियम का सैंपल Na होता है, एल्यूमिनियम का सैंपल Al होता है, थैलियम का सैंपल DH होता है, और वैसे सॉरी थैलियम का सिंबल हमारे TL होता है, और वैसे हमारे मरकरी का सिंबल क्या होता है, HG होता है, तो कभी कभी आपको ऐसे सिंबल दे देंगे वहां पर भी आपको माइंड में रखना है कि दैट मीन्स HG हमारा क्या है, मरकरी है, और यही एक हमारा ऐसा मेटल है जो एट रूम टेम्परेचर पे आपका लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। अगर हम बात करें इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो आपने देखा होगा जो डॉक्टर्स थर्मामीटर लिए होते हैं, दैट मीन्स अभी तो हम लोगों के पास क्या हुआ, डिजिटल थर्मामीटर्स आ गए हैं और उसका यूज किया जाता है। बट थोड़ा सा अगर हम एंशिएंट टाइम में चलेंगे तो वहां पर देखेंगे डॉक्टर्स के पास एक कांच का थर्मामीटर होता था, उसको क्या करते थे, जब आपको कभी बुखार या फीवर की हम बात करें तो आपके ऐसे माउथ में लगा देते थे और उसको मीजर कर लेते थे कि टेम्परेचर क्या है, तो दैट मींस इसको थोड़ा सा अगर टेम्परेचर मिलता है तो ये आपका क्या होने लगता है, फ्लो होने लगता है। तो ये आपको माइंड में रखना है कि अगर आपसे बात की जाएगी कौन से, या आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि कौन सा ऐसा मेटल है जो हमारा लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तो बिना आपको दिमाग लगा सीधा एक शब्द बोलना है, मरकरी। फार्मूला क्या होता है, HG। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है आपका डॉट डॉट, दैट मीन्स जो ऑप्शन है इनमें से किसी एक को हमें क्या करना है, इसे फिल करना है। Is the only non-metal which exists as liquid at temperature. That means room temperature की हम लोग बात कर रहे हैं। आपको बताना है कोई एक ऐसा आपके पास non-metal है जो room temperature पर liquid form में आपका present होता है। Basically आप जानते हैं carbon हमारा solid form में होता है, hydrogen हमारी gas form में होती है। अब यहाँ पर जो important thing आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपसे बात की जाए तो आपको answer क्या देना है, bromine। bromine का symbol क्या होता है, Br2 होता है। तो आपको माइंड में रखना है, 20 के पहले हम लोग क्वेश्चन बात कर चुके हैं, अगर आपसे बोला जाए कि आप मेटल बताइए कौन सा हमारा लिक्विड फॉर्म में है तो आप बोलेंगे मरकरी, अगर आपसे बोला गया नॉन मेटल आप बताइए तो आप क्या बोलेंगे, ब्रोमीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ब्रोमीन बोलेंगे। ये दोनों हमारे क्या है, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो दैट मीन्स ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या, मरकरी एंड ब्रोमीन। That means, मरकरी तो हमें नहीं, यहाँ पे नहीं, बस हम मेटल के लिए इंडिकेट कर रहे हैं, यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस की हम लोग बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम अदर क्वेश्चंस को लेकर भी डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे क्वेश्चन आएंगे और कैसे उनका मुझे सोल्यूशन, दैट मीन्स कैसे हमें आंसर राइट करना है। तो बने रहिए हमारे साथ, और चैनल पे हमारे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।